Hello everyone, today I am going to discuss about a poem, This Night, which is written by N. Revati Devi. Her real name is Asa Kaluni Nair. ठीक है, तो सबसे पहले पोइटिस के अबाउट के बारे में जान लेते हैं. तो इनका रियल नेम तो आप सबको मैंने बताया, आसा कैलोनी नेर था, जो कि ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर थी, पॉपुलर एक्ट्रेसेस ऑफ तमिल सिनेमा एंड साउथ सिनेमा थी. और इन्हें फैंस जो इनके थे, इनको रेवती बुलाने लगे थे. क्यों बुलाने लगे थे? क्योंकि इनकी एक्टिंग बहुत ही बेशुमार थी, बहुत ही ज़्यादा गुड एबिलिटीज़ थी इनकी एक्टिंग में. और इनकी जो पोएम है, उनकी पोएम में नारीवाद पक्ष देखने को मिलता है ना, यानी कि फेमिनिस्ट पोएट थी ये. एक्यूबेशन इनका एक्ट्रेसेस, फिल्म डायरेक्टर, सोशल वर्कर ये था. ठीक है, शी वॉज द फर्स्ट तेलुगु पोएटिस इन फेमिनिस्ट पोएट्री. तो चलिए पोएम के बारे में भी जान लेते हैं. आप सबको ये पता होगा कि ये जो रेवती देवी हैं, इन्होंने इस पोएम को ओरिजिनली इन्होंने तेलुगु में लिखा था 1951 में. इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में किसने किया था? वी नारायण राव ने एंड ए के रामानुजन ने किया था. और ये इनका कोटेशन है एंड रेवती देवी का, जो कि आप जब इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे अपने एग्ज़ाम में तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा. तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा. अब चलते हैं अपनी पोएम की ओर. तो सबसे पहले इस पोएम का बैकग्राउंड जान लेते हैं, इसका थीम जान लेते हैं. जो पोएटेस है वो हमें ये बताना चाहती है कि एक औरत की ज़िंदगी कैसी होती है. एक औरत जो होती है वो पूरा दिन काम करती है, मेहनत करती है, लेकिन फिर भी उसको रात में क्या सुकून मिल जाता है? क्या स्ट्रेस फ्री लाइफ हो जाती है? नहीं. फिर भी उसे क्या होता है, जब वो बिस्तर पे जाती है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी सुबह की होती हैं. तो उसे लगता है कि अरे सुबह उठ के क्या क्या करना है, हस्बैंड के लिए क्या करना है, बच्चों के लिए क्या करना है, और भी जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उन्हें भी करना है. तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है आजकल की औरतों में कि इसी को जो है रेवती देवी ने अपने पोएम के थ्रू समाज में जो है प्रदर्शित किया है कि एक औरत की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल वाली होती है. ठीक है, पूरा दिन काम करने के बाद भी उसे राहत नहीं मिलती है. तो इसी के बारे में पोएटिस ने अपनी फीलिंग्स इसमें भरी हैं. तो हो सकेगा तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी. तो आ जाते हैं अब अपनी पोएम पे. ओके, इफ दिस नाइट पासिस विच डज नॉट सरेंडर इवन टू स्लीपिंग पिल्स, इफ दिस नाइट पासिस, अगर यह रात कट जाए, मतलब अगर यह रात गुजर जाए जो कि नींद की गोलियों की और भी नहीं झुकती, उसकी भी नहीं सुनती है, जो कि नींद की गोलियों के आगे भी सरेंडर नहीं करती, अगर ये रात गुजर जाए. इसका मतलब ये है कि ये रात इतनी ज़्यादा दर्द भरी है, इतना स्ट्रेस है इस रात में कि ये रात गुजर ही नहीं रही है. मैंने नींद की दवाइयाँ ले रखी हैं फिर भी नींद नहीं आ रही है, यानी कि ये जो नींद है, स्लीपिंग पिल्स यानी कि जो नींद की गोलियाँ हैं उन्हें भी सरेंडर नहीं कर रही है, उनके आगे भी नहीं झुक रही है. दूसरा स्टैंजा है, द नाइट दैट स्प्रेड्स अंडर माई बैक लाइक अ बेड ऑफ एरोज फॉर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद मैन, मतलब वह रात जो मेरी पीठ के नीचे बाड़ों की सैया के समान फैलती है आदमी के साथ समझौता नहीं करने के लिए. मतलब ये है कि ये रात जो कि लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, लोग सोचते हैं ना कि अब रात हो गई है, थोड़ा सा सुकून मिलेगा, सो जाते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसलेस हो जाता है ना, रात सबके लिए बहुत अच्छी. पर एक वुमेन जो होती है, एक औरत होती है जिसको नींद नहीं आती है, आप उससे पूछिए कि वो बिस्तर जो थका हुआ इंसान होता है जिसकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होता है उसके लिए तो वो फूलों जैसा होता है, लेकिन वो इंसान जिसके पास इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि वो जो बिस्तर होता है उसे क्या लगता है, कांटों की सैया, बाणों की सैया लगती है कि मन ही नहीं करता है उस बिस्तर पर हम लेटे, इसीलिए वो बिस्तर उनको बाड़ों की सैया लगता है. वो कहती हैं कि आदमी के साथ एक औरत को समझौता नहीं करना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए, क्यों करे. ठीक है, दिन भर एक औरत काम करती है, उसके बाद रात में भी उसको फुर्सत नहीं मिलती है, उसको आदमी के साथ समझौता करना पड़ता है, क्यों करे. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द नाइट दैट फॉलोज इन माई वीन्स लाइक ब्लड फ्रॉम द थॉर्न्स ऑफ द टडी पाम्स फॉर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद गॉड इफ दिस नाइट पासिस. कहती हैं कि जो ये रात है, ताड़ी के कांटों से रक्त की तरह बहने वाली, मेरी रगों में बहने वाली रात, इस रात के गुजर जाने पर, ईश्वर से समझौता ना करने पर. अभी कहती हैं कि ये रात इतनी ज़्यादा दर्दनाक हो रही है कि मेरी नसों में, मेरी वेंस में,
मतलब कि गुजर ही नहीं रही है, इतनी ज़्यादा ये मेरे लिए स्ट्रेसफुल हो गई है। और ये जो कहती हैं इनकी फीलिंग्स हैं कि एक औरत जो होती है, ये सब इसीलिए तो नहीं हो रहा है क्योंकि उसने गॉड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो गॉड के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, ठीक है, एक औरत गॉड के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी कि एक औरत को ही आपने इतने सारे दुख तकलीफ़ें क्यों दी हैं। और फिर कहती हैं कि अगर ये रात गुजर जाए, देखते हैं अगला स्टेंजा। कवरिंग द फेस ऑफ ऑनेस्टी विद अ ब्लैंकेट ऑफ लाइट, अनदर डे अनदर डे अनदर नाइट अनदर डे। कहती हैं कि जो रोशनी के कंबल से ईमानदारी का चेहरा ढका है, एक और रात दिन, एक और दिन, एक और रात और एक दिन। तो मतलब कहने का ये है कि जिस तरीके से इन दुख तकलीफ़ों को जो है इस ऑनेस्टी के कम्बल ने ढक रखा है, जो कि दिखाई नहीं देता है, ठीक है, ये सोचते सोचते क्या हो जाता है कि सोचता है इंसान, एक और सोचती है कि चलो एक और दिन हो जाता है, एक और रात गुजर जाती है, यही सोचते सोचते कि दिन पे दिन गुजर जाते हैं पर इनकी प्रॉब्लम्स कम नहीं होती हैं। वो सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं जो कि कोई नहीं देख सकता, वो भी ईमानदारी के कम्बल से ढकी हुई होती हैं। एट सेम टाइम अनदर नाइट अनदर डे, इफ ऑनेस्टी स्टैंड्स नीड स्मूथ दैट फाइंडिंग लाइट, इफ दैट नाइट स्टैंड्स विदाउट पासिंग, इट विल पास, इट विल मूव अवे ऑनेस्टी। तो कहती हैं कि किसी समय एक और रात, एक और दिन, ईमानदारी जो कि ईमानदारी है वो बिल्कुल नग्न खड़ी हो जाएगी। तो चिमनी रोशनी ना पाकर मैं, अगर वो रात खड़ी रहे बिना गुजर जाएगी दूर ईमानदारी से, कहीं दूर ईमानदारी से। मतलब कि जिस तरीके से एक औरत की लाइफ होती है वो इतनी ज़्यादा अंधेरी नगरी में होती है कि वो बस यही एक उम्मीद करती रहती है कि चलो ठीक है, फिर से एक समय आएगा, फिर से एक रात होगी, फिर एक दिन आएगा जो कि अच्छा होगा, ईमानदारी से भरा होगा। तो मतलब मानवता इस तरीके से शर्मसार होती जा रही है कि पोएट्स को जो है अपनी फीलिंग्स भरने के लिए इनको ये पोएम लिखनी पड़ रही है कि इसी तरीके से ये रातें गुजरती जाएंगी और ये रातें, ये दिन, ये सब कुछ कटता जाएगा, पास होता जाएगा और सब कुछ ऐसे लगेगा कि जैसे सब कुछ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये पोएम ख़त्म होती है यहाँ पे। अगर आपको समझ में आता है तो आप इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई और भी पोएम चाहिए हो, इसकी समरी चाहिए हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।